नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। रविवार को सुबह 3 बजे मौसम की पहली बरसात के बाद किसानों के चेहरे मानो खिल चुके हैं। ये वही चेहरे हैं जो लगातार तेज गर्मी के कारण मुरझा चुके थे। किसानों की आज और मेहनत पसीने के साथ बह चुकी थी, मगर मौसम की इस पहली बरसात ने मानो उनको संजीवनी दे दी हो। इसके साथ ही किसानों ने खेतों में जुताई कर फसल की बुआई शुरू कर दी है। वहीं बीज भंडार की दुकानों पर बीज खरीदने के लिए काश्तकारों की भी भीड़ लगने लगी है। लगातार कई दिन तक बरसात न होने और तेज गर्मी पड़ने की वजह से किसान परेशान थे। सुबह से लेकर के शाम तक किसान आसमान की तरफ टकटकी लगाए देख रहे थे। कई किसानों ने कहा कि धान की रोपाई उन्होंने शुरू कर दी है, क्योंकि पानी बरसात की वजह से काफ़ी एकत्र हो गया है। इस बरसात की खास बात यह रही कि इसमें तेज हवाएं जरूर चली, लेकिन नुकसानदायक नहीं थी। किसानों के लिए ये बरसात अत्यंत लाभदायक है। इससे उन्हें ट्यूबवेल का पानी नहीं देना पड़ेगा और बिजली और तेल का खर्च भी रुकेगा। अगर ये बरसात न होती तो ट्यूबवेल से खेत में सिंचाई करनी पड़ती। किसान खेतों में यूरिया और DAP जैसे उर्वरक भी डालने शुरू कर चुके हैं। उधर बीज की दुकानों पर सुबह से ही किसानों की भीड़ भी उमड़नी शुरू हो चुकी है। इस समय किसान मक्का, तिल आदि की बुआई भी शुरू कर देंगे। धान की फसल के लिए ये खड़ा हुआ पानी जो खेतों में नज़र आ रहा है वो काफ़ी लाभदायक है। इसके अलावा नरमा, कपास और गवार के लिए ये फसल और मौके की बरसात काफ़ी अच्छी रहेगी। इसके साथ साथ हमने कई किसानों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि 10 से 15 mm तक बरसात हुई है, जो फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक है। इससे फसलों में रुनाई और गुड़ाई करने में भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि तेज लू के चलते फसलों की ग्रोथ रुक चुकी थी। अब इस बरसात से नरमे और कपास में नई कोंपले फूट आएंगी। वहीं दुधारू पशुओं के लिए भी ये बरसात अच्छी है, क्योंकि इससे दूध की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है। आपका वीरेंद्र न्योल। वीरेंद्र जी, ये जो रात को बरसात हुई है इससे कितना फ़ायदा है? इससे किसान को एक संजीवनी बूटी मिली है जी। जी, क्योंकि पीछे काफ़ी समय से गर्मी का माहौल बहुत ज़्यादा था और अब इस बरसात से किसानों को एक चेहरे पे एक रौनक आ गई है, क्योंकि फसलें बर्बाद हो रही थी। ये मौसम की पहली बरसात कह सकते हैं इसको? हाँ जी, ये इस मौसम की पहली बरसात है जी। अच्छा, ये किन किन फसलों के लिए इस समय फ़ायदेमंद है? इस समय ये नरमे, गंवार और जो आगे धान वगैरह लगाने की स्कीम कर रहे हैं उन लोगों को भी एक राहत देने वाली है जी। जी, और क्या लगता है कितनी बरसात होगी इस समय? ये 15 mm, 10 से 15 mm के बीच में है जी। जी, तो अब जो आने वाला टाइम है, अभी कौन सी फसल अब दोबारा बोई जा सकती है इससे? अब ये नरमा ही लगाया हुआ है जी, या गुवार लगा रहे हैं और कुछ एक धान भी लगा रहे हैं जी। पहले ये था कि चारों तरफ बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही थी, लू काफ़ी थी, परेशान थे लोग, तो इससे आपको लगता है कहीं ना कहीं काफ़ी राहत मिलेगी? इससे बहुत ज़्यादा राहत मिली है जी, क्योंकि अभी पीछे नरमा भी जैसे इस गर्मी के कारण सुपड़ रहा था और बढ़ रहा था जी। जी, जिससे किसानों में एक मायूसी छाई हुई। ठीक है। और कुछ किसान जैसे ट्यूबवेलों का मोल भी पानी लेके लगाते थे, उससे भी बहुत बड़ी राहत मिली है जी। अच्छा, खरीदना पड़ता था पानी? हाँ जी, खरीदना पड़ता था। अच्छा, इससे नुकसान तो नहीं हुआ कोई? नहीं जी, इस बार इससे फ़ायदा ही है जी, नुकसान जी। थैंक यू। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुखदेव है जी। सुखदेव जी, ये जो बरसात हुई है, इस बरसात से कितना का लाभ है किसानों को? बरसात से बहुत लाभ है जी। पहले ट्यूबवेल चलाना पड़ता था, अभी ट्यूबवेल की जरूरत नहीं, अभी पानी खड़ा जमीन में, अभी जमीन ठंडी होगी। ओके, तो अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी जो हम जीरे लगा रहे हैं, जीरे का काम चल रहा है, अभी शुरुआत हो गई जी। ओके, तो मतलब पहले लू चलती थी, काफ़ी गर्मी थी, उससे पहले ही शुरुआत कर दी थी कि या बरसात के बाद शुरू किया आपने? हमने जी बरसात पड़ने से 2-4 दिन पहले शुरुआत की। कितनी की बरसात लग रही है? बरसात तो ठीक है जी, बहुत बरसात बिजली का काफ़ी खर्च आता होगा? हाँ जी, बिजली का खर्चा बहुत ज़्यादा था, मोटर फिर पड़ता था, मोटर भी सड़ जाती थी। अच्छा, मोटर भी सड़ जाती थी, क्यों? लगातार चलाना पड़ता होगा ना? लगातार चलाना पड़ता, लोड पड़ता था, वो मोटर सड़ जाती थी। अभी ठंडा मौसम हो गया, मोटर पे मार का मारी है। अच्छा जी, अभी पानी की समस्या है।
बरसात चारों तरफ ही अच्छी हुई बता रहे हैं। चारों तरफ अच्छी है बरसात, जब जमीन में पानी खड़ा जिस टाइम मौके का जी, इसका लाभ मिलेगा। हाँ जी, इसका लाभ मिलेगा। अच्छा, और कौन सी फसल बीजते हैं आप? और तो ये क्या, हमारे यही जीरी होता है, जब मोटा मोटा नरमा होता है जी। अच्छा, नरमे के लिए ठीक है? हाँ, नरमे के लिए जी। आपका रघुवीर जी, ये जो बरसात हुई है इससे मतलब कितना लाभ है? काफी लाभ है। अच्छा, ये जो आप खाद डाल रहे हो, क्या इसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी अब दोबारा? पानी की नहीं पड़ेगी। कैसे? बरसात अच्छा हो गया। अच्छा, बरसात, लेकिन इसमें तो पानी अभी हम देख रहे हैं, इसमें पानी खड़ा नहीं है। अगर ऊपर से आप यूरिया या रेत डालते हो तो उसका मतलब वो जमीन को मिलेगा? अच्छा, कितनी बरसात है इस टाइम? 15 आंगल बरसात है। 15 आंगल मतलब MM के हिसाब से। ओके, तो अब क्या बीजोगे आगे, और कोई फसलें बीजनी है या ये नरमा ही बीजते हो? नरमा ही होगा इसके पास तो। अच्छा, ग्वारा वगैरह नहीं बीजते? ना ना, नवंबर में होगी तो फसल। ठीक है, मतलब ये बरसात का फायदा है जी। शुक्रिया।